नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। थोई में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का दूसरा दिन और दूसरे दिन की पहली तस्वीर आपके सामने है, जिसमें राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 82,000 रुपए की राशि दी गई। ये तस्वीरें हैं दूसरे दिन की पहली। आगे बात करेंगे कि पशुपालन विभाग के द्वारा दो दिन में क्या कार्य किए गए, वो तमाम जानकारी हम आपको देंगे। और हमसे जुड़े हैं इस समय डॉक्टर विनोद कुमावत। सर, दो दिन में, दो दिवसीय जो शिविर था उसमें पशुपालन विभाग से कितने लोगों को लाभ मिला, क्या क्या हुआ? सर, पशुपालन विभाग से दो दिन में हमारा यहाँ पशु चिकित्सा का, टीकाकरण का, बांझ निवारण का और सरकारी योजनाओं की जानकारी के संबंध में गोष्ठी आयोजन का, ये हमारे मुख्य उद्देश्य थे। तो हमने जो है सरकारी योजनाओं पर है, आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उस पर है, पशुधन बीमा योजना जो अभी है, कामधेनु बीमा योजना चली है उस पर है। तो ये चर्चा तो हमने करी गोष्ठी में दो दिन तक, और गोष्ठी में हमने 170 फार्मर्स को जो है लाभान्वित किया, उनसे चर्चाएं की सरकारी योजनाओं के संबंध में। साथ ही हमने जो है मौसमी बीमारियाँ हैं, टीकाकरण से संबंधित है, तो इन चीज़ों के बारे में भी हमने पशुपालक भाइयों से चर्चा करी है। इस दौरान दो दिन में हमने बड़े जानवरों की, 84 बड़े जानवरों की चिकित्सा हुई है, 17 उसमें छोटे जानवर हैं जिनकी सामान्य चिकित्सा हुई है, और 37 बड़े पशु हैं उनका बांझ निवारण हुआ है, 600 टीकाकरण हमारा हुआ है, जिसमें आपका भेड़ बकरियों में फिड़किया रोग का टीकाकरण है, गाय भैंसों में गलघोंटू और बीक्यू का लंगड़ा बुखार का टीकाकरण है। तो यूँ कुल मिला के हम लोग उसमें 600 का टीकाकरण कर पाए हैं सारा मिला के। और डस्टिंग जो है, बाहरी जो कीड़े हैं, कृमिनाशक जो चींचड़े हैं, जू हैं, इनके कंट्रोल के लिए, इन एनिमल्स में डस्टिंग के लिए साइपरमेथ्रिन वगैरह जो है, हमने लगभग 400 जानवरों का डस्टिंग का कार्यक्रम था, डस्टिंग की दवा जो है 400 जानवरों के लिए हमने इशू करी है, और पेट के कीड़े मारने के लिए कृमिनाशक दवा 305 जानवर हमारे पास निकले हैं, और इस तरह करके हमारा ये दो दिन का अभियान काफ़ी सफल रहा, और बहुत सी जानकारियाँ जो पशुपालक भाइयों को नहीं थी वो इस कैंप के माध्यम से हम उपलब्ध करवा पाए, और सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ा ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। शुक्रिया सर, थैंक यू। दिन की तमाम जानकारी जानने के लिए अब हम कॉल पर ले रहे हैं ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार थोई को। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे पीडीएस न्यूज चैनल पर। जी बिल्कुल, धन्यवाद, आपका भी आभार। जी सर, दूसरा दिन है प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का, उस दिन क्या हुआ वो तमाम जानकारी हम आपसे चाहते हैं, आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सर, इस समय तस्वीरों में आप ही दिख रहे हो, दूसरे दिन की पहली तस्वीर हम दिखा चुके हैं, इस समय आपके दूसरे दिन यहाँ पर प्रेजेंट हो, आपकी बातचीत यहाँ पर चल रही है, और भी तमाम जानकारी हम आपसे पाना चाहते हैं कि दूसरा दिन कैसा क्या रहा। तो दूसरे दिन क्या क्या कार्य काज हुए और किस तरह से रहा दूसरा दिन प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का? देखिए, जिस तरह से पहला दिन था वही उत्साह दूसरे दिन भी लोगों को देखने के लिए मिला इस कार्यक्रम में। जो प्रशासन गांव के संग अभियान था वो थोई ग्राम पंचायत का पूर्णतः सफल रहा और बहुत ही बेहतरीन रहा। इसमें बहुत सारे कार्य लोगों के, अलग अलग विभागों के कार्य लोगों के हुए, लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, हमने सर्वे करवाया हमारी टीम ने, तो प्रतिक्रियाएं दी कि ये कार्य जो प्रशासन गांव के संग अभियान था वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार रहा, जिसमें अलग अलग विभागों के कार्य हैं वो अलग अलग तरीके से हुए, जिसमें आप मोस्टली देख सकते हैं कि आज का जो विशेष कार्य था वो ये था कि बंजारा बस्ती के बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसा कि आपने देखा भी होगा, आपकी टीम वहाँ मौजूद थी, पीडीएस टीम वहाँ पे, तो बंजारा बस्ती के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको राशन नहीं मिल पा रहा था किसी कारणवश से, उनका जो राशन वगैरह की जो मोहर होती है जिसमें राशन निःशुल्क मिलता है, उसके लिए वो एलिजिबल तो थे लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा था, हमने प्रोसेस किया। जी सर, बीच में आपको रोकना चाहूंगा, इस समय तस्वीरें हैं पूर्व सरपंच थोई के
रूड़ाराम सैनी और वर्तमान सरपंच रामप्रकाश सैनी और आप खुद यहाँ पर हो, इस समय क्या बातें आपकी चल रही हैं, किस क्या प्लानिंग यहाँ पे हो रही थी या किस तरह किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे चर्चा की जा रही है, क्योंकि काफी देर आपकी तीनों की चर्चा यहाँ पर की गई हुई है। देखिए हमारी बातचीत हुई थी लेकिन कोई विशेष मुद्दा ऐसा नहीं था, वो केवल अपने गाँव का जो विकास है भाई, जैसे श्रीमान रूड़ जी सरपंच जी पूर्व सरपंच हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, उनसे अनुभव की बहुत सारी बातें हमने शेयर की और उनकी हार्दिक मंशा थी, हार्दिक इच्छा थी कि जो बड़ी ढाणी की जो विद्यालय है उस विद्यालय की जो भूमि है इसके लिए उन्होंने अपनी जो मंशा थी, हार्दिक इच्छा थी वो जाहिर की और उन्होंने बताया कि भाई ये जो जमीन है वो किसी भी तरह से नाम हो तो ये उनके लिए बहुत ही जी सर। तो उन्होंने अपनी जो हार्दिक इच्छा थी वो बताई और इस बारे में हमारी बातचीत हुई। मैं सरपंच जी की भी इच्छा थी कि विद्यालय नाम हो जिससे कि जो पैसा बाहर से आता है, सरकार का जो पैसा है, वो विद्यालय में खर्च हो सके। जी तो वही बात है, स्कूल को नाम कराने की जो चर्चाएं थी ये शायद वो प्रक्रिया यहाँ पर की गई। जी तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि विद्यालय काफी दिनों से नाम नहीं था, अगर स्कूल अगर नाम होता है तो सरकार के द्वारा जो भी पैसा आता है विकास का वो उसमें लगाया जा सके, ये जानकारी आपने हमें दी। इस समय यहाँ पर डेस्क के ऊपर जहाँ पे सरपंच और वीडियो साहब दोनों यहाँ पर हैं, इस डेस्क पे भी आप जैसे बंजारों की बात कर रहे थे तो बंजारा जो है बस्ती के जो लोग हैं वो यहाँ पर भी दिख रहे हैं। और क्या क्या हुआ सर आज दूसरे दिन? देखिए बंजारा बस्ती के जो लोग थे उनकी बहुत सारी समस्याएं थी जी, उनमें मोस्टली जो उनकी समस्या जो देखी गई वो एक तो आवासीय समस्या थी कि उनके पास जो मकान है वो अभी पूरे पक्के मकान नहीं है, तो एक तो सबसे जो समस्या तगड़ी थी वो एक तो इनके मकानों की थी। दूसरी जो समस्या थी वो थी इनके जो फूड पैकेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये उसमें खाद्य सुरक्षा में उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, इस वजह से इनको अभी तक भोजन के पैकेट्स वगैरह हैं या अनाज है वो नहीं मिलता है। तो हमने प्रयास किया है, हमने शिविर प्रभारी को भी इस बारे में अवगत करवाया है कि सर वो पोर्टल को ओपन करवाया जाए और जो वास्तव में जरूरतमंद हैं उन लोगों को, उनने जितनी भी सरकार की जो स्कीमें हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनका अधिक से अधिक लाभ मिले और लोगों को इसका फायदा हो, ताकि भविष्य में जैसा कि मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि वो जनता के नायक है, इसी वजह से उनको जन नायक कहा जाता है, उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति है उसका लाभ लोगों को मिल सके। जी बीच में खाने की तस्वीरें हैं जो कि पंचायत की तरफ से शिविर में जो कर्मचारी थे उनके लिए की गई थी यहाँ, तो ये तस्वीरें वहीं की हैं जहाँ पर कर्मचारी जो है वो लंच कर रहे हैं इस समय। सर अभी तस्वीरों में एक लड़का आया था जो कि अपने विकलांग सर्टिफिकेट को लेकर घूम रहा था, उसकी जानकारी आप बताइए कि अगर आपके पास है तो। जी शिविर में आपको मैं बताऊं कि लगभग 7 से 8 ऐसे व्यक्ति थे जो वास्तव में डिसेबल थे जी, उनमें शारीरिक किसी का अंग भंग था या कोई और समस्या थी या मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो उसके लिए हमने प्रयास किया कि भाई मेडिकल बोर्ड यहाँ आया हुआ था, मेडिकल जो ऑफिसर थे प्रभारी यहाँ आए हुए थे, तो हमारा प्रयास था कि उनको किसी भी तरह से वो लाभ मिले। हालांकि आज किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं मिला है वहाँ पर और रेफर डाल दिया है डॉक्टर्स ने कि आप मेडिकल कॉलेज जाएं और अपना जो प्रभारी हैं या जो विशेषज्ञ हैं उनको दिखाएं और सर्टिफिकेट बनवाएं। सर आप राहत कैंप में भी थे, बचत राहत जो कैंप, महंगाई राहत जो कैंप है उसमें भी आप नजर आए, यहाँ पर भी आप चर्चा करते हुए नजर आए। 2 दिवसीय जो शिविर था उसमें आपकी भूमिका भी बड़ी रही, आप 2 दिन वहाँ पर एक्टिव रहे और लोगों की समस्याएं आप सुनते हुए नजर आए और उनको सॉल्व करते हुए नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमसे जुड़े और पीडीएस न्यूज से जुड़कर आपने तमाम जानकारी दी, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। तो तमाम जो खबरें थी वो हमने आपको बताई है कि 2 दिन जो प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर थोई में आयोजित हुआ उसमें क्या क्या हुआ और उसका एनालिसिस हमने आपके सामने रखा, जिसमें हमारे मेहमान भी हमसे जुड़े थे, पंचायत समिति सदस्य और कांग्रेस सेवा दल ब्लॉक के अजीतगढ़ के अध्यक्ष अनिल कुमार थोई, जिन्होंने कल भी विस्तृत रूप से पहले दिन को लेकर भी चर्चा की थी और आज दूसरे दिन को लेकर भी चर्चा की है। हाँ हालांकि यहाँ पर एक हॉस्पिटल जो थोई अस्पताल है उसकी अव्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है SDM साहब को और जो CSC प्रभारी हैं उनको भी बुलाकर यहाँ पर बात की गई है, उनको भी ज्ञापन। सर आपसे अभी आप डिस्कनेक्ट नहीं हुए हो, आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि अस्पताल जो थोई अस्पताल है उसकी अव्यवस्थाओं को लेकर आज जो ज्ञापन दिया गया है वो ज्ञापन उसकी वास्तविकता क्या है, वो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हो।
जी हाँ बिल्कुल, आज किसान सभा के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है प्रभारी को, जो कैंप प्रभारी हैं उनको एसडीएम के नाम से, उनके जो निम्नाधिकारी थे उनको जो ज्ञापन दिया गया है वो वास्तव में जो थोड़ी अस्पताल की जो अव्यवस्थाएं हैं उन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो वास्तव में सही है, क्योंकि थोड़ी हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ही दर्दनाक हो चुकी है कि हॉस्पिटल स्वयं मरा हुआ है। अगर ये शब्द भी मैं कहूँ तो ये बहुत छोटा शब्द होगा कि हॉस्पिटल जहां लोग बचने के लिए अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, यहां तक कि थोई जो सीएचसी है उसकी तो इतनी बुरी स्थिति है कि सीएचसी को खुद का इलाज करवाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। आप अव्यवस्थाओं के नाम पे बात करें तो अनावश्यक नेतागिरी वहां होने लग गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं वहां, काम करने के लिए नहीं बल्कि लोगों पर अपना रोब जमाने के लिए वहां पर एकत्रित होते हैं और वहां अपनी ड्यूटी के बजाय केवल नेतागिरी में विश्वास करते हैं। इसके अलावा जैसे उसमें कैंप में मैं था, वहां पर लोगों का जो ऑब्जेक्शन है वो देखने के लिए मिला कि साहब बाहर की दवाइयां लिखते हैं, बाहर की जांच वगैरह करवाते हैं, तो ये सब भी बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा मांग ये है कि अव्यवस्था इतनी ज्यादा, जी सर जी, तो उसमें अभी प्रेजेंट टाइम में आप अगर आप देखें स्थिति इतनी दयनीय है वहां की कि वहां पर लोग जाना नहीं चाहते। आप अगर देखें तो वहां जो मरीजों की संख्या हुआ करती थी पूर्व में, यहाँ डॉक्टर अरुण शर्मा थे, डॉक्टर कानाराम सैनी थे, उस समय जो संख्या मरीजों की हुआ करती थी वो आज है ही नहीं। यहाँ पर एक तरह से कहें कि जीरो ओपीडी हो रखी है। बहुत दर्दनाक स्थिति है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल स्वयं मरा हुआ है, स्वयं बीमार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं, मैं एक आम आदमी होने के नाते एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप सब साथ हैं तो हम हॉस्पिटल को बीमार नहीं होने देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल हमें बीमार होने से बचाने के लिए है, स्वयं बीमार होने के लिए नहीं है। इसका जो कारण है वो मोस्टली कारण तो सबको मालूम है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसको जो खराब किया है वो कुछ लोग हैं, उन्होंने जानबूझ के स्थिति ऐसी बना रखी है। इसके लिए हमें लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ही बनाना है, वहां राजनीति का अड्डा उसको नहीं बनने देना है। जी शुक्रिया सर, आपने जानकारी दी, धन्यवाद। ज्ञापन देने के बाद कॉमरेड पूरनमल पुरी ने क्या कहा, देखे सुनते हैं। सर आज आपके द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं, मामला क्या है, किस चीज का ज्ञापन था, किस पर? आज अखिल भारतीय किसान सभा का जो राज्यव्यापी कार्यक्रम था उसके तहत थोई के अंदर जो कैंप पर भाई एसडीएम होता है उसको हमने दो ज्ञापन दिए हैं। एक तो जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है थोई का, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी जो हालत खराब हो रही है, दिनों दिनों इसकी हालत बिगड़ती जा रही है अव्यवस्थाओं के चलते, उसको सुधारने के लिए हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें एक तो एमडी जो स्पेशली होता है उस डॉक्टर की यहाँ पोस्ट होते हुए भी डॉक्टर नहीं है, महिला जो स्पेशल है उसकी पोस्ट या नहीं है वो सर्जित की जाए, और जो फीमेल और मेल नर्स की जो पोस्ट खाली है उनको भरा जाए। एक्सरे जो लैब है वो पिछले 6 महीने से बंद है, उस लैब को एक्सरे जो टेक्नीशियन है उसको लगा करके भरा जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के हमने एक मांग पत्र एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री को भेजा है, और समय रहते अगर इनका समाधान नहीं हुआ तो अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी की सारी जवाबदारी प्रशासन और सरकार की होगी। और दूसरा आंदोलन हमने जो किसानों से संबंधित है वो तो 2023 में पाला पड़ा था, उस पाले की मार से किसान की फसल बर्बाद हो गई थी, उस फसल का मुआवजा सर्वे करवा लिया, लेकिन अभी तक किसान सरकार जो है जारी नहीं कर रही है वो दिया जाए। एक चूरू का किसान जो है लगातार कई दिनों से जिला कलेक्ट्रेट में बैठा हुआ है, उनकी मांगों को जो है स्वीकार करते हुए उनको पूरा किया जाए। लंपी महामारी में जो गायें मरी उनका किसानों का जो है मुआवजा दें, सर्वे करवाएं, इन मांगों को लेकर के जो है एक चुनाव में जो सरकार ने वादा किया था कि हम किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे वो अभी तक भी जो है कि सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है, तो इन कई मांगों को लेकर के हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए।